ये तो मैं बात ठीक चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चेक करनी है वो ये कि हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। प्लीज जमील, जमील या प्लीज मैं कह दूं ना आपके भाई बस कर दो, बस कर, ठीक है। इतनी बड़ी बात है तो खुद कर सकते हो, ठीक है। सुनो, पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम आप क्या करना चाहते हैं। लुक एट दिस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट डू वी वांट टू डू, व्हाट वी वांट टू डू इज अ कि अगर हम किसी भी बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, उसका नंबर फील होना चाहिए, जो भी लिखा हुआ है हमें एक्चुअली ओपन ओपन और अगर ओपन हो जाता है तो फिर हमने उसके पीछे जो भी लिखा हुआ है वो शो करना है, और अगर ऑफ कोर्स वहां पर माइन है तो उसको मार देना, गेम ओवर। और ये काम हर बटन पे होता है, ये काम। अब पहले तो हम जाके वो क्लिक के ऊपर डबल क्लिक करके ये काम कर देते थे, आपको याद है ना ये काम हमने किया। अब इशू ये है कि अब हमने खुद लिखा है, ओके। अब हमने क्या करना है, हमने खुद जाकर एक फंक्शन लिखना है जो कि हम बाइंड करेंगे इसके साथ, हर बटन के साथ। हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम हर फंक्शन के साथ, हर बटन के साथ जाके बाइंड, हर सेल के साथ जाके बाइंड करेंगे और कहेंगे हाँ भाई जब तुम क्लिक हो ना तो ये वाला फंक्शन कॉल है, क्या हो जाए ये वाला फंक्शन कॉल है, और फिर उस फंक्शन में क्या हो गया होता, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग, एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ द गेम। मैं एक्चुअली एक फंक्शन लिख रहा हूं, इसका नाम है ये फंक्शन, इस फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन लिख रहा हूँ प्राइवेट, इसका नाम है void और इसका नाम है क्लिक, या लेते हैं when click। Look at this, अब मैं क्या करता हूँ इसमें ना एग्जैक्टली यही पैरामीटर, क्या ऑब्जेक्ट सेंडर और इवेंट और ऑब्स एस ई, ऑब्स एस ई, ये हार्ड कोडेड होता है तकरीबन हर एक के साथ, हर हर इवेंट हर हर अगर हम अपना इवेंट डिफाइन कर रहे हैं ना उसमें, या इवन अगर आप डबल क्लिक करके वो कोई इवेंट भी करते हैं ना तो भी आपको दो चीज आती है। अच्छा आप सुनो, बहुत बात, ये फंक्शन जब भी कॉल होगा ना उसके दो पैरामीटर, एक होता है सेंडर, सेंडर मीन किसके थ्रू आप इस फंक्शन में आए। फॉर एग्जाम्पल जिस बटन को आप क्लिक करेंगे वो बटन का ऑब्जेक्ट समझ में, उस बटन का रेफरेंस एक्चुअली इसके अंदर आएगा। नाउ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली वो सेल होगा जो के जिसके ऊपर हमने क्लिक किया था, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है ना ये सी शार्प में एक बेस क्लास है, तकरीबन दुनिया की हर चीज सी शार्प में वो इससे इनहेरिट होती है। इससे इनहेरिट होने का मतलब पता क्या है, कि आपके पास ये जो सेंडर है ये क्योंकि पेरेंट का रेफरेंस है तो ये हर एक की तरफ पॉइंट कर सकता है, ये सबको बात समझ आई। Look at this, मैं बताया करूंगा, मैं ये वह जो भी सेंडर है वो जब आता है एक्चुअली वो सेंडर क्या होता है, वो सेल होता है, तो पहला काम मैं पता करूंगा उसको अपने सेल में कास्ट करूंगा, और जब मैं सेल में कास्ट करूंगा तो नाउ आई कैन प्ले अराउंड विद दैट सेल, सबको बात समझ आई। Look at this, हम एक काम करते हैं, हम करते हैं पहला काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर एक सेल टाइप का एक क्लिक सेल, ये एक मैं वेरिएबल बना रहा हूं, एक्चुअली वो रेफरेंस है, वही रेफरेंस है जो के क्लिक, और मैं इसे पता करता हूं सेंडर को असाइन डायरेक्टली करूंगा तो मसला आएगा। इसको मैं किस तरह असाइन करता हूं, इसको मैं सेल में कास्ट करता हूं, ठीक है। अगर मैं सेल में कास्ट करूंगा तो एक्चुअली कहेगा जो भी तुम्हें ऑब्जेक्ट पास हुआ है उसको तुम एज कंसीडर करो कि वो क्या है, वो एक्चुअली सेल। अब नाउ लुक एट दिस, मेरा क्या लुक एट, मैं काम ही करता हूं कि इसके ना
आपको याद है हमने इसके अंदर कोई कलर का टूल था, बटन के अंदर कलर का टूल था, डॉट बैक कलर को हम क्या करते हैं इसमें ना, एक आई थिंक एक कलर की क्लास होती है कलर डॉट, ये देखो ये सारे कलर है, कौन सा कलर कर दे रेड में मिडिल में, ठीक है जिस बटन में मैं क्लिक करूँ ना मैं चाहता हूँ कि वो वाला बटन रेड, या ऑफ कोर्स हम उसकी ये कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू को डिस्प्ले सर इमेज, हां इमेज चेंज हो जाएगा बिल्कुल, वो भी हो जाएगा फिर उसके लिए एड्रेस आना पड़ेगा, एड्रेस बिल्कुल ठीक है, उसको एड्रेस देना पड़ेगा, ये वाला इमेज था वहां पे हमने अपने सोर्सेज के अंदर रिसोर्सेज के अंदर उसका रखा होगा, हमने एक बॉम्ब का वो रखा होगा, इमेज का वो रखा हुआ है, पीएनजी रखी होगी या जो भी जेपीईजी फाइल रखी होगी उसका हम पाथ देंगे और देख सकते हैं, ठीक है नाउ लुक एट दिस, मैं ये भी कर सकता हूँ साथ ही भी कर सकता हूँ, अगर आप कहें तो अगर मैं क्लिक सेल डॉट जी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू जाके मैं साइन करता हूँ क्लिक सेल डॉट वैल्यू डॉट टू स्पेस, ठीक है तो मैं ना सिर्फ ये उसको ऐड कर रहा हूँ बल्कि मैं क्या करता हूँ उसकी वैल्यू शो, ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इस मैंने क्या किया, ठीक है लेकिन ये फंक्शन मेरा अभी तक मैंने इसको बाइंड नहीं किया, ये मैंने एक फंक्शन बनाया खाली फंक्शन, इसको अभी तक मैंने बाइंड नहीं किया कि ये फंक्शन का और वो कॉल करने उसको बाइंड करने के लिए पूरा करते हैं हम यहां जाते यहां जहां याद है हमने एक क्रिएशन की थी ये एक सेल यहां यहाँ पे हम ऐड यहाँ पे मैं ये सेल बनाया था, हम एक काम करते हैं यहीं पर एक लाइन और ऐड करते हैं और वो लाइन है डॉट क्लिक क्लिक एक्चुअली पता क्या क्लिक एक्चुअली वो फंक्शन, ठीक है अब मैं इसको ओवरराइड करूंगा, ओवरराइड करने का मतलब क्या कि मैं कह रहा हूँ जब भी ये क्लिक कॉल हो तो ये वाला तो वो वाला क्लिक ना कॉल करना जो हमारी इसकी बेस क्लास में डिफाइन है बल्कि डिफाइन कौन सा क्लिक कॉल करना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है मैं जैसे सिंटैक्स देखो सिंटैक्स सुना जी तो कहते हैं प्लस इक्वल टू और यहां जाके लिखते हैं सिस्टम डॉट इवेंट इवेंट ऑब्स सॉरी ये लाइन लिख रही है ये लाइन आप समझने की है तकरीबन हार्ड कर रहा है एरर के साथ एरर फंक्शन के साथ मैंने क्लिक किया था सॉरी इवेंट हैंडलर है और आर नहीं इवेंट क्या मैंने क्या किया मैंने किया ये है कि जब अब इवेंट हैंडलर में से मैंने ये कहा कि इसके जो क्लिक है ना जो क्लिक का इवेंट था उसको मैंने ओवरराइड कर दिया, ओवरराइड करने का मतलब मैं कह रहा हूँ अब तो जब जब इस बटन पे क्लिक करो तो एक्चुअली कौन सा फंक्शन कॉल करते हैं जो हम बोल रहे हैं आप गेस कर सकते हैं एक्चुअली वो क्या है सर जो उन्होंने मुझे बताया था क्लिक का उसके लिए हम बता रहे हैं एक्चुअली फंक्शन आपको पता फंक्शन का नाम क्या होता है एड्रेस एड्रेस एक्चुअली मैंने कहा तो उसके क्लिक के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ ना वो ओवरराइड ओवरराइड कर दो ये सर ये प्लस इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू खाली इक्वल टू नहीं देखो इक्वल टू चल जाएगा ठीक है प्लस इक्वल टू का सबसे नंबर होता है इसकी पूरा टेबल होता है तो कहता मैं ओरिजिनल वाला भी कॉल करूंगा और उससे अपना वाला भी कॉल प्लस इक्वल टू मतलब ये देखो मैं इक्वल टू भी काम कर सकता है फोन पे बात कर लीजिए ऑलराइट नाउ लुक एट दिस हमारा कोड अब क्या करना चाहिए क्या एनीबॉडी गेस जो भी क्लिक करेंगे वो रेड हो जाएगा और उसके ऊपर टेक्स्ट यार आप चलो फोन आ रहा है मैं बात
क्लास कर लो ना फोन क्लास फंक्शन लिखना है कौन सा वाला और ये कहाँ लिखना यहीं पे क्लिक पे क्लिक एक्चुअली जो हमारा क्लिक फंक्शन है वही हमारा गेम चलाएगा ठीक है वही हमारा मेन फंक्शन है जिसने एक्चुअली एक्चुअली आप इसके अंदर चेक्स आएंगे कि तुमने जिसके ऊपर क्लिक करना है उसके नतीजे में क्या होगा अगर वो नंबर होगा तो वो बस डिस्प्ले ठीक है नंबर भी कौन सा वाला तब तक उसने ओपन होते रहना है जब तक उसको कंटिगुअस जीरो मिल जाते और कोई ऐसा नंबर ओपन होता है जो के हमने हर ओपन पे जाना है हर ओपन पे जाना है और उसकी सराउंडिंग भी जाकर ओपन कर ठीक है आज अगर वो जीरो मिला है तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड हमने एक्चुअली क्या करना है हमने करना यह है एक हमने हर एक बटन पे जाना है और देखना है कि वो क्या है अगर वो ओपन है और वो जीरो है तो क्या कर दे उसकी आठों की आठों सराउंडिंग को भी ओपन करते हैं। Everybody understand? Everybody understand? फिर क्या होगा? फिर मैं दोबारा ये दूसरा है। अगर उनमें ऑल जीरो है। और अगर हमें दोबारा कोई ओपन मिलता है और वो जीरो है तो क्या करना है उसकी आठों की आठों सराउंडिंग को दोबारा ओपन करते हैं। Everybody understand? फिर करना है फिर हमें दोबारा ये काम करना है अगर कोई जीरो ओपन है और उसकी आठ तो उसकी आठों सराउंडिंग को ओपन करते हैं लेकिन एक बात और सुन ये काम रोकना कम है किस्म कर रहे हैं ठीक है एक्वा आई मीन जो भी आप
But everybody understand this? कोई समझा नहीं? चल. Now try to understand this. This is a very very. भारत अगर यहाँ पर कोई भी number होता तो बात सरल होती. कैसे? पर थोड़ी डिस्प्ले होता कुछ भी नहीं होना. पहला केस बहुत आसान है. दूसरा केस भी बड़ा आसान है. कौन सा वाला? अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जीरो था, अगर मैं जीरो कहता हूँ तो एक्चुअली क्या होना चाहिए? अब दिस इज द मोशन. अगर वहां पर जीरो था लकड़ी तो ये फिक्स कर ठीक है. बता दो वी कैन फॉर यार खराब है. हां और बात ये वेरी वेरी बैड है. बट आई मीन वी कैन फॉर ये ले लीजिए सीधा भी आप. अच्छा चलो किसी को भी क्लिक करते हैं और वो जीरो है. तो पहला काम ये करते हैं क्या? पहला काम ये करना है उसके सिर्फ एट्रीब्यूट को ओपन कर उसके एट्रीब्यूट को ओपन कर ठीक है. ओपन कर दिया. ओपन करने का मतलब क्या है? उसको शो भी कर दी ठीक है. शो मतलब कलर चेंज करना होता है. ये दोनों एक आपका ठीक है. अच्छा साथ ही हम बताया करते हैं एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसका नाम है ओपन ऑल कनेक्टेड जीरो ठीक है. ये फंक्शन से कोई पैरामीटर ठीक है. ना ये जो फंक्शन है यही पूरी गेम में जा ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज वन थिंग विच यू हैव टू लर्न टुडे ठीक है. यू विल रियली एंजॉय इट ओके. ये शायद तुम्हें कभी भी किताब में नहीं मिलेगा ठीक है. आपको याद है हमने सॉर्टिंग की थी और पहले सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट जब किया था तो क्या किया था? चेंज है क्या I will go to each row. I will go to each column. So far, so good. Everybody understand? ठीक है? Now look at this. इसमें इस रूप में इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे? इसमें इसमें आने का मतलब क्या है? मैं हर row पे जाकर चला गया हूँ. मैं सिर्फ एक सेल पे आ गया हूँ, है ना? अच्छा. मैं सिर्फ एक चीज चेक करता हूँ. क्या वो ओपन है? क्या वो ओपन है? क्या वो ओपन है? अगर वो ओपन है क्या वो जीरो है? अगर वो जीरो अगर वो ओपन नहीं है कुछ भी नहीं करना. अगर वो ओपन है तो ही हमने कुछ करना है. अगर वो ओपन नहीं है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. डू ऑल अग्री विद दिस? ठीक है. नाउ लुक एट दिस. अगर मैंने किसी इंडेक्स पे गया और वो कौन सा इंडेक्स था? ओपन. अगर वो ओपन था और जीरो था. अगर वो ओपन था तो उसको पता है भाई जी तो ओपन हो गया ठीक है ना. अगर वो ओपन था तो हम चेक करते हैं क्या वो जीरो है. अगर वो जीरो है तो फिर हम एक चीज चेक करते हैं. लुक एट दिस प्लीज 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 लुक एट दिस. मैंने जिस इंडेक्स पे किया अगर वो ओपन था ठीक है और वो जीरो भी था और वो जीरो भी था तो हम सिर्फ ये कहते हैं यार इसकी आटो की आटो सराउंडिंग नहीं है. ये जो आटो की आटो सराउंडिंग है इनको ओपन कर दो. लेकिन इट वुड बी पॉसिबल कि वो पहले ही ओपन है ना. किसी भी जगह में गया उसके आठों के आठों सामने है ना. एवरीबडी ने सेड वो पहले ही ओपन हो चुका है ना. नाउ लुक एट दिस. व्हाट डू आई डू?
आई से इसकी आटो के आटो सराउंडिंग क्या करो ओपन कर ठीक है लेकिन पहले ही होता है मैंने उसकी सराउंडिंग मैं कहता हूँ इसकी आटो सराउंडिंग देखो अगर इसकी आटो सराउंडिंग पहले ही ओपन है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं ठीक है कुछ भी करने की जरूरत नहीं ये बात समझ में आई अच्छा देखिए अगर आटो की आटो में से कोई भी अगर ओपन नहीं है तो उसे ओपन कर ओपन करने का मतलब क्या है उसका एक तो उसका कलर शेड हो जाएगा और उसकी वैल्यू भी नजर आती है ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस उसकी वैल्यू भी नजर आती है ठीक है यानी एक्चुअली हमने देखा इफ इफ क्या बोला इफ जो भी सेल है सेल्स की आर आई एंट्री और सी आई एंट्री इज डबल इक्वल टू जीरो नहीं इज डॉट इज ओपन ठीक है इज ओपन भी है और साथ क्या है डबल इक्वल टू जीरो भी है तो क्या करते हैं इसकी आटो काटो सराउंडिंग क्या करते हैं ओपन ओपन कर दें फिर मैं मैंने उसकी आटो की आटो सराउंडिंग क्या कर दी ओपन कर दी अब क्या अगली आइट्रेशन चलनी चाहिए या ये दोबारा चलनी चाहिए ये दोबारा भूल वेरिएबल में आने अगर ये खुला तो फिर अगली बार एक जीरो मिलते हैं ये एक बात ये जो उससे बात की है मुझे तो बहुत खूबसूरत बात की ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने कहा इसकी आटो सराउंडिंग ओपन कर दो डू यू ऑल एग्री इसने कहा आटो की आटो सराउंडिंग क्या कर दो ओपन ठीक है डू यू ऑल एग्री विद दिस अच्छा इसकी आटो की आटो सराउंडिंग हमने ओपन कर दी ठीक है क्या मुझे लूप को आगे चलाना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए अगर वहां जीरो अगर वहां जीरो मिले जीरो अगर मैंने इस पे क्लिक किया ना तो इससे आगे लूप चलाने का बेटा मतलब पता क्या है इसके आगे लूप चलाने का मतलब ये भी ओपन हो गया 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 ठीक है इससे आगे लूप चलाने का मतलब ये है कि वो अगला जो जीरो चेक करेगा वो कौन सा जीरो होगा इसकी सराउंडिंग में कौन सी वाली सराउंडिंग सर कॉलम से वो क्या इसको चेक करेगा नहीं नहीं करेगा क्या वो इसको चेक करेगा नहीं क्या वो इसको चेक करेगा नहीं वो सिर्फ चेक करेगा वो क्यों वो इसे चेक करेगा इसे चेक करेगा इसे चेक करेगा और इसे चेक करेगा इन तीन चारों को वो चेक नहीं करेगा इट कुड बी पॉसिबल कि आपके जीरोस वगैरह कैसे ओपन होते यानी ये वाले तो डायमेंशन ओपन हो जाएंगे और यहां पर भी इसकी भी बारियां नीचे वालों की बारियां आएंगी लेकिन इट कुड बी पॉसिबल कि इस जीरो की वजह से किसने ओपन होना होगा इस पोर्शन ने भी ओपन होना होगा दैट्स अ प्रॉब्लम एवरीबॉडी अंडरस्टैंड यानी जहां भी क्लिक करूंगा ना उसके उसके आगे वाले भी ओपन हो जाएंगे उसके नीचे वाले भी ओपन हो जाएंगे लेकिन क्या ओपन नहीं होगा उसके पीछे वाले जो ऊपर ऊपर वाले ना वो जो मैंने एक बार देख लिए वो वापस नहीं है कैन एनीबॉडी थिंक अबाउट द वे आरआईसीआई जीरो कर सर अगर वहां पे जीरो आरआईसीआई क्या जीरो कर वन वे इज कि हम आरआईसीआई को दोबारा से जीरो कर दें नहीं लेकिन इसके वजह से मसला है आरआई माइनस 1 सीआई माइनस 1 क्या आरआई माइनस 1 सीआई माइनस 1 तो फिर ये वैसे आगे चेक करना शुरू कर दो सर ये वाले तरीके को अगर बार बार लगाए माइनस वन देखो द होल आइडिया इज कि भाई हमने दोबारा से पीछे जाना है ना हाउ टू फिक्स दैट दिस प्रॉब्लम दैट्स योर असाइनमेंट ओके आई विल नॉट गोइंग टू टेलेंट ओके दैट्स द ओनली थिंग रिमेनिंग एवरीबॉडी अंडरस्टैंड यस ठीक है अब गेम में तुम्हारे पास 10 मिनट है प्लीज थिंक अबाउट इट कोई कोड शो नहीं देखना ठीक है प्लीज मुझे खड़े हो सकते हैं आप लोगों ने डिस्कस थोड़ा सोचना है कि आपके ख्याल में कैसे होगा ये डिस्कस कर सकते हैं आप ठीक है लेकिन वीडियो अभी वैसे बातों और आपने आपके ख्याल में कोई चीज भी अगर ऐसी है जो कि अभी तक डिस्कस होनी बाकी आपके ख्याल में तो आप मुझे बताएं ठीक है यू हैव 15 मिनट्स टू टॉक टू ईच अदर